हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके व्हाइट बोर्ड पे एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम है, कह सकते हैं कि एटीएम से जब पैसा आप निकालते होंगे तो अचानक लाइन कट जाए, या कह सकते हैं कि मशीन में पैसा फंस जाता है, तो उसी के बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जिससे अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसका पैसा एटीएम में फंस जाए या सर्वर चला जाता है, तो उसकी समस्याएं जो आ जाती है कि उसको पैसा नहीं मिलता, या बैंक वाले उसको परेशान करते हैं कि आ जाना, कल आना, इतने दिन के बाद आना, तुम्हारा नहीं निकलेगा, तो ऐसे जो समस्याएं होती है उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे अगर पैसा आपका फंस जाए एटीएम मशीन में या किसी खाए यानी अकाउंट में ही फंस जाए, किसी भी तरह से फंस जाए, कोई भी समस्या होगा, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले यानी कि इन चार टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या समस्याएं हैं, यानी कि किसकी हम बात करेंगे, कि जिसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे। दूसरा हमारा है कि बैंक को क्या लाभ होता है, यानी कि अगर पैसा जो है एटीएम में फंस जाए या कह सकते हैं कि सर्वर चला जाता और पैसा आपके अकाउंट से कट जाता, फिर भी आपको पैसा ना मिले, तो इससे बैंक को क्या लाभ होता है, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है कि क्या करें, अब पैसा तो वही फंस गया आपका, यानी अकाउंट से तो पैसा कट चुका है लेकिन आपको मिला नहीं, तो इससे आपको क्या होगा, परेशानी तो होगा, इसके लिए आप क्या क्या उपाय यानी कौन कौन से कदम उठाएंगे उसी के बारे में बात करूंगा, यानी किसके पास जाएंगे कि आपके पैसे मिल जाएंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या, यानी कितने ऐसे मैं वहां पे बताऊंगा कि 2017 और 18 यानी कि 2017 और 18 की बात किया जाए, यानी कि वित्तीय वर्ष की बात किया जाए, इसमें इस वर्ष में कितने ऐसे केसेस आए कि बैंकिंग से लेके कि इस क्या इनका पैसा फंस गया, भैया हमारा पैसा फंस गया सर्वर के नाते या किसी कारण से, कितने यानी लोगों को परेशानी हुई, कितने केसेस आए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके अब बात करें। देखिए सबसे पहले समस्या क्या है, देखिए होता क्या है कि आप पैसा निकालने जाते हैं, यानी कि जैसे आपका मालिक SBI का खाता है, आप SBI का ATM वाले यूज करते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये जो समस्याएं होती है सबसे अधिक अन्य बैंकों में यानी कि यूज, जैसे मान लिया आपका SBI का खाता है, समझ गया, यानी कि एडमिट का, यानी कि जो कह सकते हैं कि ATM कार्ड जो आपका SBI का है, अब आप जाके PNB वाले लगाएंगे तो ऐसी समस्याएं ज्यादा आती हैं, या PNB का आपके पास यानी कि कह सकते हैं अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, और यानी कह सकते हैं कि आपका जो है ATM कार्ड है वो आप SBI में लगा देते हैं, तो ऐसी समस्या, यानी कि कह सकते हैं कि जब आप पैसा निकालने जाते हैं या पैसा डालने जाते हैं तो कह सकते हैं कि अचानक सर्वर चला जाए, सर्वर का मतलब क्या होता है, नेटवर्क नहीं है, या कह सकते हैं कि करंट चला जाए यानी कि बिजली चला जाए, तो अचानक क्या होता है कि पैसा यानी कि आपने सब प्रक्रिया अपना लिया लेकिन पैसा आपके हाथ में आने वाला ही था कि मशीन के आधे रास्ते में ही फंस गया, तो होता क्या कि आपके अकाउंट से तो पैसा कट गया लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, ऐसी समस्या हो, या कह सकते हैं कि कुछ और समस्या हो, यानी कि आपका कुछ है, यानी कि कह सकते हैं कि आपने पैसा निकाला 1000 रुपए, आपको दिखा रहा है यार आपने तो 5000 रुपए निकाला, तो इस तरह से कुछ भी समस्या हो तो इसके बारे में यानी कि इसके बारे में हम बात करेंगे। तो समस्या हमने बताया कि चाहे आप बिजली कट जाए या कह सकते हैं सर्वर चले जाए जिससे आपका पैसा यानी कि बीच रास्ते में ही फंस जाए, आपको पैसा न मिल के लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाए, ऐसी कोई समस्या हो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कि बैंक को क्या लाभ होता है, यानी कि अगर ऐसे पैसा फंस जाता है तो बैंक को क्या लाभ होता है, तो आप बैंक के पास सबसे पहले जाएंगे, यानी कि जो आपका नजदीकी शाखा होगा, मान लीजिए आपका SBI का होगा तो SBI के पास जाएंगे, PNB का होगा तो PNB, जैसे जिसके पास बैंक होता है उसके पास वो जाता है, यानी कि नजदीकी शाखा के पास जाता है, तो यानी कि अपने समस्या को बताता है, तो वो जो बैंक वाला जो मैनेजर होता है वो सबसे पहले आपको घुमाएगा कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको समय लगेगा, इतना दिन लगेगा, तो यानी कि आपको कहेगा कि आप 10000 रुपये हमको दीजिए, यानी इस तरह से आपको होता ना कि गलत व्यवहार आपसे करेगा जबकि पैसा आप ही का था, यानी कि ये उसको समस्या को दूर करना होगा, तो क्या करता है बैंक वाला कहेगा उस अधिकारी के पास जाके साइन कराओ या बड़े अधिकारी के पास जाके साइन करा के लेता हूँ, मैं पैसा तुम्हारा दूंगा, जबकि वो पैसा आप ही का है, यानी कि कह सकते हैं कि आपकी मेहनत का, आपके महीने पर की कमाई या वर्षों की कमाई, आपका बस मिनटों या सेकंडों में आपके पैसे चले जाता है, जबकि वो पैसा कहाँ रहता है, वो सिर्फ उसी बैंक में रहता है, यानी कह सकते हैं ना किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाता, आपने पैसा निकाला बीच रास्ते में फंस गया तो क्या बैंक में ही तो है पैसा, या ना तो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में तो गया नहीं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि बैंक वाले सीधे सीधे डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता तो बहाना बनाते कि नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 1 हफ्ते 2 दिन 10 दिन 20 दिन यानी कि आपको इंतजार करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करें, यानी कि तीसरा हमारा पॉइंट है कि आप क्या करें, यानी कि जब ऐसी स्थिति आए कि जब आपका पैसा ATM में फंस जाए या मशीन में फंस जाए कह सकते हैं, या आपका गलत रिकॉर्ड दिखाए, तो क्या करें, सबसे पहले यानी कि अपने नजदीकी शाखा, मैं देखिए कई पॉइंट बताऊंगा उसमें से आपको कोई भी आपको जो अच्छा लगे उस पॉइंट को यानी कि कैलकुलेट करें। देखिए सबसे पहले कि आपको नजदीकी शाखा यानी कि जो नजदीकी शाखा होगा कह सकते हैं उसके पास जाइए, यानी कि जैसे आपका SBI का है, मान लिया आपने SBI में खाता खुला है, तो SBI का जो नजदीकी शाखा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अराउंड में जो भी होगा वहां पे जाके पहले शिकायत करिए कि देखिए भैया हमने पैसा निकाला, यानी कि बैंक मैनेजर से मिले कि हमने देखिए सर पैसा निकाला,
पैसा नहीं निकल पाया, यानी कि आधे रास्ते में पैसा फंस गया, हमको नहीं मिल पाया, या सर्वर चला गया, या कह सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो आप उसको सबसे पहले सूचित करिए। सूचित कर दे उसके बाद वो छानबीन करेगा, यानी कि एक हफ्ता के अंदर, समझेगा ये बात ध्यान से देख, यानी कि एक सप्ताह या वन वीक के कह सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर आपके पैसे पूरे मिलने चाहिए। ये किसका रूल है? ये आरबीआई, यानी कि जो आरबीआई बैंक है, कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने ये रूल निकाला है कि यदि किसी व्यक्ति का या किसी का भी कह सकते हैं कि अगर पैसा वो निकालता है, अगर एटीएम में उसका पैसा फंस जाए, चाहे वो सर्वर के कारण या किसी भी कारण से कह सकते हैं कि मशीन में पैसा फंस जाता है, तो उस बैंक की जिम्मेदारी होगी जिस बैंक का वो खाता धारक होगा, यानी कि जिसमें आपने खाता खुलवाया, उसका वो जिम्मेदारी होगा कि एक हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति को पूरा पैसा, यानी कि बिना चार्ज को उसको पैसा लौटाना होगा। कोई भी बहाना या कोई भी चीज हो, यानी कोई भी बैंक मैनेजर आपसे कोई बहाना करता है कि नहीं आपका पैसा नहीं मिलेगा, इस अधिकारी के पास जाइए, तो करना क्या होगा? दूसरा पॉइंट, आप यानी कि बैंकिंग कह सकते हैं कि लोकपाल होता है, कह सकते हैं कि बैंकिंग लोकपाल, नाम सुने होंगे कई लोग, लोकपाल, समझे, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक समिति होती है, कह सकते हैं कि जो ऐसे समस्याओं को निवारण करती है। अगर बैंक मैनेजर आपकी बात को नहीं सुनता तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं, वहां पे बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि देखिए हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, बैंक मैनेजर हमसे इस तरह से जबरदस्ती कर रहा है, यानी कि आप पैसे बदले में मांग रहा है कि आप हमको 5,000 दोगे तो हम तुम्हारा 10,000 निकलवा के देंगे। इस तरह से अगर कोई भी समस्या हो तो आप सीधे कहां पे जाएंगे? बैंकिंग लोकपाल के पास जाएंगे और ऐसी समस्याओं को निवारण करेंगे। यानी कि बैंक मैनेजर अगर आपकी समस्याओं को हल नहीं करेगा तो आपका वहां पे बैंकिंग लोकपाल आपकी मदद करेगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने कह सकते हैं कि देखिए, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं नजदीकी शाखा में गए, वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो, तो आप सीधे अपना जो केस है, कह सकते हैं कि जो भी आपकी समस्या है, वो आप जाके बैंकिंग लोकपाल में भी वहां पे शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने, यानी कि शिकायत कितने दिन के अंदर करना, यानी कि बैंकिंग लोकपाल में आपको एक महीने के अंदर शिकायत, जैसे मान लिया कोई भी घटना घटी, जैसे मान लिया आज आपका 11 मई है, तो 11 मई कह सकते हैं कि 2019 को किसी व्यक्ति का कह सकते हैं एटीएम में पैसा फंस गया, तो बैंकिंग लोकपाल में यानी कि शिकायत करने का मौका कब तक होगा? यानी 11 जून 2019 के बीच में, यानी कि उसको एक महीने के बीच में अगर वो शिकायत करता है, वहां पे करता है कि हमारा ऐसे ऐसी समस्या होगी, बैंक मैनेजर नहीं मान रहा, या वो कह रहा कि नहीं तुमने यानी झूठ बोल रहे हो, इस तरह से कुछ भी कह रहा हो, तो आप यहाँ पे इससे अधिक एक महीने के बाद वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं होगा, समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आरबीआई ने ये भी नियम निकाल दिया, यानी कह सकते हैं आपके फायदे के लिए, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यानी कि अगर बैंक मैनेजर, समझिए, अगर बैंक मैनेजर आपके शिकायत करने के बाद, यानी कि आपने शिकायत किया, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बाद अगर बैंक मैनेजर आपके पैसे को नहीं लौटाता है, तो आरबीआई के अनुसार जो बैंक, यानी कि बैंक का मैनेजर होगा, उसको यानी कि प्रतिदिन 100 रुपए यानी कि उसको जुर्माना देना होगा। बैंक की बात करो, यानी कि जो बैंक हो, जिस खाते में आपके, जैसे मान लिया आपका एसबीआई खाता कह सकते हैं, आपका पैसा मान लिया एटीएम में फंस गया, एसबीआई से आपने निकाला पैसा, फंस गया सर्वर या किसी कारण से फंस गया, तो करना क्या होगा कि मान लिया आपने 5,000 रुपए निकाल रहे थे, माने 5,000 रुपए निकाले, तो 5,000 रुपए तो बैंक वाला देगा ही देगा, और प्रतिदिन यानी कि एक हफ्ते के बाद जितना, यानी कि कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद आपका पैसा लौटाया, तो आपको 1,000 रुपए और वह एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 6,000 रुपए आपको देगा। लेकिन होता क्या है कि बैंक मैनेजर इतने चलाक होते हैं कि वो घुमाते रहेंगे, ये कागज लाओ, उनसे साइन करवा लो, इनसे साइन करवा लो, ऐसे हमारे साथ हो चुका है, समझ सकते हैं। पिछले साल हमारे कह सकते हैं स्कॉलरशिप, यानी ये कई दोस्तों का स्कॉलरशिप लगभग 14,000 रुपए इसी के नाते फंस चुका था, यानी कह सकते हैं कि लगभग करोड़ों रुपए ऐसे कई दोस्तों का फंस चुका था, यानी कि स्कॉलरशिप के नाते। तो जब जानकारी नहीं पता थी तो हम लोग को भी ऐसा कुछ समस्या नहीं, कहीं पे जा पाए नहीं कुछ, यानी किसी अधिकारी से मिल ही नहीं पाए। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो यानी कि आप जरूर उसको बताइए कि यानी कि आपके पास कई समय, यानी कि कह सकते हैं कि रास्ते हैं, आप उस रास्ते से अपने पैसे को बचा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लिया आपने बैंक, यानी कि कह सकते हैं कि बैंक मैनेजर आपको बताता है कि इस तरीके से जाइए, उस अधिकारी से करिए, या आपको मैं दे दूंगा, यानी कि इस दिन आप आइए, उस दिन आइए, इस दिन छुट्टी है, आज कोई काम नहीं होगा, अगर ऐसा समझ सकते हैं कि आप बैंक मैनेजर से या बैंक से आप सहमत नहीं है, तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास जाके उसकी दोबारा शिकायत कर सकते हैं। आपको सीधे यानी कि उसकी कार्रवाई बैंक मैनेजर के पास होगी और सारे पैसे आपके पास लौटा दिए। वो अगर ये कहता है कि नहीं तुम 5,000 तुम्हारा फंसा, मैं 4,500 दूंगा या 4,000 दूंगा, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं, पैसा आपका है, तो आपको सारे पैसे मिलने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि वर्तमान स्थिति क्या है। अगर मैं बात करूँ सीधे की, यानी कि 2017-18 के अनुसार, यानी कि 2017 और 18 वित्तीय वर्ष की बात करें, यानी एक साल में कितने केसेस आए हैं, यानी कि एटीएम कार्ड से लेके या किसी भी तरह से लेन देन के लिए कि कह सकते हैं कि धोखाधड़ी वाला जो मामला आया है, लगभग अगर पूरे बात किया पूरे भारत में 1.63 यानी कि 1,63,000
केस किससे है रिलेटेड, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड है। किसी का पैसा फंस गया है, किसी का पैसा निकाला है तो 5000 निकाला उसके जगह पे 6000 दिखा रहा, या उसने जमा किया 3000 रुपया दिखा रहा, 2000 आपने जमा किया, इस तरह से यानी कि जो गड़बड़ डाटा होता है चाहे वो किसी के माध्यम से हो चाहे वो सर्वर के माध्यम किसी भी कारण से हो, यानी कुल मिला के एक साल के अंदर लगभग 163000 केसेस ऐसे आए हैं कह सकते हैं, जिसमें से 50% समझे, जिसमें से 50% यानी 50% सिर्फ एटीएम से रिलेटेड है, यानी कि एटीएम से, एटीएम में क्या पैसा हमने डाला ठीक है, वहां पे बता रहे यार आपका पैसा है यानी कि छड़ा ही नहीं, इस तरह से कुछ भी हो या पैसा रास्ते में फंस जाता है, तो उससे समझ सकते हैं कि 50% केसेस इस तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं यानी कि भारत में बहुत ही बड़ी, और सबसे ज्यादा शिकायत कहाँ आता है यानी कि देहात एरिया में या शहर में, तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ आएगा शहरी, क्योंकि जो आपका एटीएम कार्ड होता है यानी कि जो बैंकिंग ज्यादा क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, शहर में ही तो होते हैं, यानी सबसे अधिक जो प्रॉब्लम होते हैं वो शहर में ही होते हैं कह सकते हैं। तो ये थे हमारे कह सकते हैं कि सबसे यानी कि अच्छा टॉपिक था, यानी कि अगर बैंक में आपके पैसे यानी कि कह सकते हैं एटीएम से आप निकाल रहे पैसा, पैसा फंस गया चाहे सर्वर के कारण हो या कह सकते हैं कि किसी भी कारण से कह सकते हैं यानी कि पैसा फंस जाए, तो कोई भी समस्या हो तो आप यानी कि इस तरह से आप यानी अपने पैसों का निवारण, अपनी जो समस्या है उसको निवारण कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे यानी कि आपका सुझाव अगर कह सकते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया सुझाव अगर अच्छा लगे तो यानी कि वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों, क्योंकि इसी तरह से मैं नए नए वीडियो ले आके आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक को यानी कि अच्छे से बताता रहूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होंगी। अगर कोई आपके मन में टॉपिक हो कि इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप नीचे एक टॉपिक लिख दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोगों की जो समस्या है उससे वो दूर हो जाए, जिससे उनका जो पैसा है वो मिल जाए। क्योंकि अगर देखिए जो आपका खुद का पैसा होता है अगर रोज आता है तो आपको बहुत ही दर्द होता है, यानी कह सकते हैं कि इस तरह से समस्याएं आपके अंदर अगर आसपास हो तो आप उसको दूर करने की कोशिश, और उसको बताइए कि किस तरह से, अगर कोई बैंक मैनेजर ऐसा नहीं करता है तो उसको आप ये वीडियो जरूर दिखाइए कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, आप जरूर यानी कह सकते हैं उसके ऊपर आरबीआई सीधे सीधे कार्रवाई करता है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह से आप केएलडी क्लासेस बने रहिए, केएलडी क्लासेस बने रहिए आप सभी दोस्तों को केएलडी क्लासेस।